आज मैं लाया हूँ ब्रेक वाले कुछ फ्रेज वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहला वर्ड है ब्रेक विद या ब्रेकअप। इन दोनों का मतलब होता है टूट जाना, खत्म हो जाना, यानी किसी चीज का खत्म हो जाना या किसी रिश्ते का टूट जाना। हालांकि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है लेकिन ब्रेक विद के कंपेयर में ब्रेकअप ज्यादा पॉपुलर है, यानी लोग ब्रेकअप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए इन दोनों बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता टूट गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ब्रोक अप हिज गर्लफ्रेंड। आप इस सेंटेंस के लिए ये भी बोल सकते हैं ही ब्रोक विद हिज गर्लफ्रेंड, यानी उसका उसके गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता टूट गया या रिश्ता खत्म हो गया। उसका अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता खत्म हो गया या रिश्ता टूट गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी ब्रोक विद हर हस्बैंड। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं शी ब्रोक अप हर हस्बैंड, यानी उसको अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अगर आपको कहना हो कि मीटिंग 9 बजे खत्म हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 o'clock। अगर आपको कहना हो प्रोग्राम 3 बजे खत्म हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्रोग्राम ब्रोक अप एट 3 o'clock, यानी प्रोग्राम 3 बजे खत्म हुआ। आइए फ्रेंड्स अब अगला फ्रेज वर्ड देखते हैं। ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई अनहोनी शुरू हो जाना या कोई बुरा काम या खराब काम शुरू हो जाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि आधी रात आग लगी या आग शुरू हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, यानी आधी रात आग लगी। अगर आपको कहना हो कलरा हर जगह शुरू हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कलरा हैज ब्रोकन एवरीवेयर, यानी यह बुरा काम या यह अनहोनी काम हर जगह शुरू हो गया है। अगर आपको कहना हो कि यह अनहोनी या यह बुरा काम सन 2000 में शुरू हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस ब्रोक आउट इन 2000, यानी यह अनहोनी काम सन 2000 में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी अनहोनी काम का शुरू होना या किसी खराब काम का शुरू हो जाना। आइए फ्रेंड्स अगला फेज वर्ड देखते हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती अंदर जाना या ताकत के साथ अंदर जाना। जैसे कुछ चोर जबरदस्ती अंदर गए या ताकत के साथ अंदर गए, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम थीव्स ब्रोक इन, यानी कुछ चोर जबरदस्ती अंदर गए। कुछ लोग पिछली रात मेरे घर में जबरदस्ती अंदर आए या ताकत के साथ अंदर आए, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Somebody broke in my house last night, यानी पिछली रात कुछ लोग जबरदस्ती मेरे घर के अंदर आए। कुछ लुटेरे जबरदस्ती बैंक में गए, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे Some robbers broke in the bank, यानी कुछ लुटेरे जबरदस्ती बैंक के अंदर गए। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती अंदर जाना। आइए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रुक जाना या खराब हो जाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा कार रास्ते में रुक गई या खराब हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी मेरी कार रास्ते में खराब हो गई या रुक गई। ब्रिज को गुजरते वक्त बस रुक गई या बस खराब हो गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बस ब्रोक डाउन वाइल पासिंग द ब्रिज, यानी ब्रिज को पास करते हुए या पास करने के दौरान बस रुक गई, बस खराब हो गई। मेरा टेलीफोन खराब हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई टेलीफोन हैज ब्रोकन डाउन, यानी मेरा टेलीफोन खराब हो गया है। अगर आपको कहना हो कि वह अपने भाषण के बीच में रुक गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, यानी वो अपने स्पीच के बीच में रुक गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना या रुक जाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।